बिग बॉस सीजन 18 के वीकेंड के वार से पहले घर में मचा भूचाल। अविनाश नहीं, ईशा नहीं, घर में इसको बना दिया रजत दलाल ने। रजत दलाल ने दी स्पेशल पावर। दिग्विजय राठी ने मारी बाजी। अविनाश मिश्रा हुए शॉक्ड। विवेन दिसिना की टीम को लगा सबसे बड़ा झटका। आखिर कैसे करणवीर मेहरा ने खेली अपने सबसे बड़ी चाल, तो इस वीडियो के साथ आप भी बने रहिए अंत तक। दोस्तों, बिग बॉस के घर में टाइम गॉड टास्क और टाइम गॉड बनने के लिए बहुत सारे जद्दोजहद करने पड़े। कई सारे कंटेस्टेंट एक दूसरे के दुश्मन बन गए, तो कुछ लोग एक्सपोज भी हो गए। दोस्ती भी तार तार हो चुकी है अविनाश एलिश और ईशा सिंह की विवेन दिसेना से। लेकिन विवेन ने अपनी पूरी जी जान लगा दी अपने दोस्तों को टाइम गॉड बनाने के लिए। विवेन ने एक बार फिर प्रूफ किया अपने दोस्त के साथ अपनी लॉयल्टी। अविनाश मिश्रा और ईशा सिंह को जिताने के लिए करणवीर मेहरा तक को कर दिया कुर्बान। दरअसल बिग बॉस ने सबसे पहले स्पेशल पावर दिया था विवेन दिसेना को, और विवेन के पास था पावर कि विवेन किन्हीं चार लोगों में से किसी भी एक कंटेस्टेंट को या तो वो टाइम गॉड बना या फिर टाइम गॉड की रेस से बाहर कर सकते हैं। जिसके बाद विवेन ने टारगेट किया करणवीर मेहरा को, अपने सबसे बड़े दुश्मन को, और करणवीर मेहरा को ये कह दिया कि वो रिश्तों में क्लियरिटी नहीं है उनके रिश्तों में। किसी भी तरह से करणवीर का यहाँ पर किसी के भी साथ कोई भी रियल रिश्ता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बनाता है करणवीर। और ये कहकर विवेन दिसेना ने आउट कर दिया करणवीर मेहरा को गेम से, यानी कि करणवीर मेहरा का एक बार फिर सपना टूट गया। लेकिन करणवीर ने ली सबसे बड़ी बदला। अब विवेन ने यहाँ पर पूरी प्लानिंग कर रखी थी कि किसी भी तरह से या तो अविनाश मिश्रा बने या ईशा सिंह बने, जिसकी वजह से उनके पूरे ग्रुप को फायदा होगा। और इस रेस में अब बग्गा पाजी भी आउट हो चुके हैं। बग्गा के आउट होते विकेट गिरी ईशा सिंह की, और उसके बाद बचे दो कंटेस्टेंट यानी कि अविनाश मिश्रा और दिग्विजय राठी। जिसके बाद बिग बॉस ने रजत दलाल को बुलाया और रजत दलाल को कहा कि रजत, तुम रह चुके हो टाइम गॉड, तो मैं एक तुम्हें स्पेशल पावर देता हूँ। और बिग बॉस यहाँ पर अपने ही खुद के बनाए हुए रूल को ब्रेक करेंगे। बिग बॉस ने ये कहते हुए रजत दलाल को एक पावर दी कि रजत, तुम बताओगे कि घर में कौन बनेगा नया टाइम गॉड। अब जाहिर सी बात है, रजत दलाल का सबसे बड़ा दुश्मन है अविनाश मिश्रा, तो रजत किस तरीके से अविनाश को दे सकते हैं पावर। रजत दलाल ने गेम खेला और अपना सबसे बड़ा पासा फेंका। रजत ने कहा कि मुझे लगता है कि अविनाश मिश्रा जो है वो चुगली गैंग में बैठ कर एक दूसरे की चुगलियाँ करे, वो लड़कियों के लिए ही बना हुआ है, वो उसमें मर्दानगी बिल्कुल भी नहीं है, और वो घर को बिल्कुल संभाल नहीं सकता। अगर अविनाश अगर इस घर में टाइम गॉड बनता है, तो वो जाहिर सी बात है मुझे और मेरी पूरी टीम को वो टारगेट करेगा, तो मैं कभी नहीं चाहूंगा कि अविनाश इस घर में टाइम गॉड बने। मैं मेरे भाई दिग्विजय राठी को बनाना चाहूंगा घर में नया टाइम गॉड। और ये कहते ही घर के पूरे समीकरण बदल गए हैं। विवेन ने सबसे बड़ा विवेन को झटका लगा है। विवेन शॉक्ड हो गए कि कैसे उनके ही पैरों तले से जमीन खिसक गई है। करणवीर मेहरा ने सबसे बड़ी चाल चली हुई रजत दलाल के साथ अपनी हाथ मिलाकर अपनी दोस्ती को प्रूफ कर। रजत दलाल के साथ करणवीर मेहरा ने दोस्ती सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया ताकि वो विवेन दिसेना की कंपनी को, विवेन दिसेना के दोस्तों को हरा सके, क्योंकि विवेन ने विवेन के साथ बदला लेना है। जाहिर सी बात है, करणवीर और विवेन में एक बड़ी रिवाइलरी चल रही है, और इसका फ़ायदा दिग्विजय राठी ने उठाया है। बिग बॉस ने कर दिया है अनाउंस, अब दिग्विजय राठी बन चुके हैं घर के नए टाइम गॉड। लेकिन घर के नए टाइम गॉड बनने से पहले दिग्विजय राठी को बिग बॉस ने दिया सबसे स्पेशल पावर, और घर में कहा आज ही होगा बड़ा एलिमिनेशन। और इस एलिमिनेशन की जो जवाबदारी है वो बिग बॉस देते हैं दिग्विजय राठी को, क्योंकि अब दिग्विजय राठी तुम हो घर के नए टाइम गॉड, और तुम्हारे पास दो ऑप्शन होंगे, दो वो बॉटम प्लेयर होंगे जिनका नाम है सबसे लास्ट आखिरी पोजीशन पर, और तुम्हारे ऊपर होगा पूरा लास्ट डिसीजन कि तुम किसे घर में रखना चाहते हो और किसे घर से बेघर करना चाहते हो। जिसके बाद बिग बॉस के पास इस बार बॉटम टू में हैं कशिश कपूर और एलिश कौशिक। दरअसल सबसे कम वोट एलिश कौशिक को आ रहा है, और एलिश के बाद नाम आता है कशिश कपूर का। अब जाहिर सी बात है, दिग्विजय राठी तो यूँ छोड़ने वाले नहीं है, जब मौका मिल गया है तो दिग्विजय विवेन की पूरी मंडली को ज़रूर टारगेट करेंगे। कशिश कपूर के साथ भले ही उनका कैसा भी रिश्ता हो, लेकिन एक दोस्ती ज़रूर है, एक सॉफ्ट कॉर्नर रखता है दिग्विजय राठी कशिश कपूर के लिए। जब बिग बॉस ने कहा कि ये दो नाम है, दिग्विजय बताओ कि तुमको क्या लगता है कौन घर में रहना डिजर्व
डिजर्व नहीं करता। दिग्विजय राठी ने बिना सोचे समझे कहा कि मुझे लगता है बिग बॉस एलिश जो है वो इस घर में है ही नहीं, वो बिग बॉस के घर में नहीं, वो अपने गार्डन में है, वो अपनी फैमिली के साथ कहीं ना कहीं बैठ कर चुगलियाँ कर रही हैं, गॉसिप कर रही हैं, क्योंकि मैं जब से आया हूँ, मैं भले ही घर में बाद में आया लेकिन मैंने एलिश को कभी भी कुछ करते नहीं देखा। इवन एलिश को ये कह दिया कि एलिश के पास दिमाग नहीं है, जिसके चलते वो ईशा और अविनाश की बातों में आ जाती हैं। तो दिग्विजय राठी ने बड़ा फैसला लिया है कि एलिश कौशिक जो है वो इस घर में रहना डिजर्व नहीं करती हैं। तो टाइम गॉड बनते ही दिग्विजय ने सबसे बड़ा बदला लिया है विवेन दिसेना के दोस्तों से और एलिश कौशिक को कर दिया है घर से इविक्ट। हो गया है मिडवीक में सबसे बड़ा एलिमिनेशन। वेल, आप बताना कमेंट बॉक्स में, क्या आपको लगता है कि दिग्विजय का ये जो डिसीजन था वो फेयर था, या फिर दिग्विजय ने कहीं ना कहीं अपने दोस्तों को सपोर्ट करते हुए जानबूझकर बदला निकाला है विवेन के साथ, विवेन के दोस्तों के साथ? मैं जानना चाहूँगा आप सभी का ओपिनियन कमेंट बॉक्स में। और इसी तरीके की वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।